गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड टू। जैसा कि यस्टरडे हमने यस्टरडे आई हैव ऑलरेडी टॉट यू कॉमन नाउन चैप्टर टू एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देन आई हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड चैप्टर टू। जैसा कि अगर आपको समझ में आया होगा और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमारी चैप्टर ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुकी है। ठीक है, हमने इसमें कॉपी वर्क भी आपको कल करवा दिया था और जो होमवर्क दिया था इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया था। ये जो है इसका 10 वर्ड्स भी मैंने आपको बता दिया था। कॉमन नाउन जो हमने चैप्टर टू पढ़ा था उसका सारा मैंने आपको आंसर क्वेश्चन जो पहले होमवर्क दिया था उसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया था। कॉपी वर्क भी करवा दिया था अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, लुक एट दिस वंस अगेन, देख लीजिए ध्यान से एक बार। इन सबको हमने क्लियर करवा दिया था, दो तीन दिन मैंने आपको ये सब बताया था, पढ़ाया था। ओके, यू गॉट रिमेम्बर, याद आया होगा आपको, सारा चीज आपने देखा ही होगा ध्यान से। दिस ऑल वी हैव ऑलरेडी डन, ये सब हमने कर लिया है, होमवर्क भी एंड इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, लुक एट दिस ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डन यस्टरडे, ये भी हमने कर लिया था कल, देखिए ध्यान से इस। और ये मैंने आपको दिया था, इसको सही करना है। ठीक है, तो ये तो आपने पीछे मैंने बोला तो पीछे देख के आप इसको सही कर सकते हो। ठीक है, और ये हमने कल करवा दिया था आपको और मैंने आपको बोला भी था कि नथिंग टफ, इसमें से जो भी वर्ड्स हैं, जैसे स्कूल है, स्कूल यानी कि जगह का नाम है, तो जगह का नाम यानी कि प्लेस के नीचे आएगा स्कूल। ठीक है, यहाँ पे स्कूल लिखी हुई है। उसी तरीके से रॉबिन, रॉबिन एक चिड़िया का नाम है, तो चिड़िया यानी कि एनिमल, बर्ड्स इसमें आ जाते हैं, एनिमल के नीचे हमने यहाँ पे रॉबिन चिड़िया लिखा है। ठीक है, तो ये सब आप समझ के, आप अपने ये सारे वर्ड्स देख के आपने यहाँ पे लिखा ही होगा और मैंने भी आपको कल आंसर के साथ ही सब बता दिया था। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट पेज, सेम हियर, यहाँ भी वही करना था। जो वर्ड जैसे रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रीज हम कहाँ रखते हैं, तो फ्रीज हम डाइनिंग हॉल में रखते हैं, डाइनिंग रूम में रखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा फ्रीज रेफ्रिजरेटर। इसमें जो भी वर्ड्स हैं, बेडरूम है, बाथरूम है, किचन है, इसमें ये सारे वर्ड्स में से जो वर्ड्स इसमें आते हैं वो आपको लिखने। जैसे बेडरूम में आपने लिखा है अलार्म क्लॉक, सीट्स, ब्लैंकेट्स, पिलोज। बाथरूम में भी ये सारे वर्ड्स आपने लिखे हैं। एक बार मैं सिर्फ रिविजन आपको बता रही हूँ, देख लीजिए ध्यान से। स्टडी रूम में क्या क्या चीज जरूरत पड़ती है, पढ़ने वाले रूम में ये सब आपने मैंने आपको लिखवाया था। ड्राइंग रूम में हम क्या क्या रखते हैं, कुशन, कारपेट, टेलीविजन, कैलेंडर। ठीक है, तो ये सब हमने एक बार आपको। और ये जो फैमिली पिक्चर थी, इसमें आपके मम्मी पापा और जो भी भाई बहन होंगे उनका पिक्चर बनाना था या फोटो, तो दीज ऑल वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड, ये सब हमारी हो चुकी है। होमवर्क भी मैंने आपको कल दिया था इफ यू रिमेम्बर। तो नाउ टूडे इज द फाइनली वी आर डूइंग आर रिविजन वर्क। देखिए चैप्टर टू का रिवीजन मैंने आपको करवाया है। कॉमन नाउन वापस मैं आपको बता रही हूँ, कॉमन नाउन्स कैन बी जनरल नेम्स ऑफ एनी थिंग्स और एनी नाउन एज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एटसेट्रा। कॉमन नाउन को भी जनरल नेम जब हम बुलाते हैं उसे हम कॉमनली जब हम यूज करते, जैसे टीचर्स, टीचर्स आर कमिंग, या स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द स्कूल, स्टूडेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये सारे कॉमन हो गए। ठीक है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली किसी अलग से किसी का नाम इंडिकेट करके, किसी का नाम रिकॉग्नाइज करके, किसी का नाम रिकॉल करके नहीं बुला रहे हैं, सिर्फ हम ग्रुप में बुला रहे हैं, फ्रेंड्स, टीचर्स, रिलेटिव्स। ठीक है, तो ये हो गए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आर टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, जैसे फल, बहुत सारे फल हैं, आपने पर्टिकुलरली किसी एक फल का नाम नहीं बोला, आपने ये नहीं बोला कि मैंगो है या एप्पल है, आपने बोला फ्रूट्स है, फ्रूट्स मीन्स बहुत सारे फल, तो ये हो गए कॉमन नाउन। वेजिटेबल्स, बहुत सारी सब्जियां हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गए। फ्लावर्स, फ्रेंड्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बुक्स एंड सो ऑन, और मतलब इस टाइप के बहुत सारे वर्ड्स हो गए कॉमन नाउन। ठीक है, नाउ आई हैव गिवन यू यस्टरडे होमवर्क, मैंने कल 5 तारीख को आपको होमवर्क दिया था। क्या था होमवर्क, राइट एटलीस्ट 5 कॉमन नाउन, तो आपने आंसर लिखा ही होगा, मैंने भी यहाँ पे आंसर लिख दिया है, आपने जो लिखा है वो भी आप मिला लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे ही आंसर से आपका आंसर मैच करे, बट हाँ, बस ध्यान दीजिएगा वो हो कॉमन ही नाउन होने चाहिए। ठीक है, मैंने ये कुछ 5 आंसर आपको बताया, फैमिलीज, स्कूल्स, सिटीज, टीचर्स, मिनिस्टर्स, ये सारे कॉमन नाउन में आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही, अगर आपने भी कुछ लिखा है कॉमन नाउन तो वो भी सही हो सकता है। ठीक है,
बट इस टाइप के ही आंसर होते हैं. ओके क्लियर. नाउ गाइस फाइनली टुडेज होमवर्क, ये आज का होमवर्क है. लर्न एंड राइट रिविजन वर्क इन योर इंग्लिश कॉपी. ये जो मैंने आपको लिखवाया है इसे याद कीजिए. और जैसा कि आपको मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये ग्रामर याद करने की भी नहीं है, समझने की है. सो इसे डू अंडरस्टैंड देन यू लर्न. पहले इसे समझिए फिर याद कीजिए, और याद करके फिर इन सब को अपनी इंग्लिश की कॉपी में, अगर आपके पास स्कूल की इंग्लिश कॉपी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप अपनी रफ कॉपी में इसे याद करके, समझ के और याद करके तब इसे लिखिएगा. ये आपका होमवर्क है, लर्न एंड राइट रिविजन वर्क इन योर इंग्लिश कॉपी. यहाँ पे डू अंडरस्टैंड भी मैं बोल रही हूँ आपको, डू अंडरस्टैंड पहले इसे समझ लीजिएगा और इसे याद करके अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा. ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है. सो गाइस क्लास टू टुडे, आज हमारी ये चैप्टर टू ऑलरेडी कम्प्लीटेड हो चुकी है, कम्प्लीट हो चुकी है, ठीक है. हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर थ्री में आएंगे. और ये आपको इसमें अगर आपको कोई परेशानी हो तो प्लीज यू कंटिन्यू डू आस्क इन योर कमेंट्स बॉक्स. अगर आपको इसमें इस चैप्टर में कोई परेशानी हो रही है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं. और कोई परेशानी तो मुझे नहीं लग रहा कि मैंने इतनी बार इसको समझाया है और क्लियरली इसको लिखवाया है कॉपी में, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी होगी. एनीवेज गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो.